हर किसी की पलक के नीचे छिपे बैठे हैं ढेर सारे सपने जिसे वो पूरा करना चाहता है। इनमें से हर किसी एक का सपना एक सा है कि वो जिंदगी में तरक्की के रास्ते की ओर आगे बढ़े। जरूरत है एक ऐसे सहारे की जो तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने में अपना साथ दे। NBCFDC यानी नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आज पिछड़े वर्ग के इन लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए तत्पर है। मदद के इस हाथ ने आज लाखों लोगों को खुशहाली की एक नई राह दिखाई है। इस काम में NBCFDC द्वारा आयोजित मेले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम ने यहाँ पर हिस्सा लिया, जो गरीबी की दोहरी रेखा के नीचे हैं, बहुत कम ब्याज पर ऋण दे करके उनको प्रशिक्षित करके उनसे बढ़िया बढ़िया शिल्प कला की और लोक कला की वस्तुएं बनवा करके उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वो उन्हें बाजार में बेचें और अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जीवन शैली अपने जीवन का स्तर ऊंचा उठाएं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई हमारे इस शिल्प महोत्सव को लोगों ने काफी पसंद किया है। पूरे भारत से आए हमारे कारीगरों द्वारा बनाए गए इन उत्पादों को 40,000 से भी ज्यादा लोग देखने के लिए आए। आशा, उत्साह और उमंग के रंग आज चारों ओर फैल रहे हैं। आत्मविश्वास से भरे कदम अपनी मंजिल छूने को बेताब हैं। वक्त है अपने हाथों से अपनी तकदीर बदलने का। NBCFDC की स्थापना 13 जनवरी 1992 को हुई ताकि पिछड़े वर्गों के आर्थिक तथा विकसित किए जा सकने वाले कामों को बढ़ावा दिया जा सके और पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों की कार्यक्षमता बढ़ाकर स्वरोजगार के लिए मदद दी जा सके। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन NBCFDC भारत सरकार का उपक्रम है जिसकी अधिकृत अंश पूंजी 700 करोड़ रुपए है। नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा पिछड़े वर्ग के पात्र लाभार्थियों के आर्थिक विकास हेतु, उनके कौशल विकास हेतु हम राज्य चलाने की एजेंसियों के माध्यम से ऋण सहायता उपलब्ध कराते हैं। 2007 के अंत तक लगभग 9 लाख पात्र लाभार्थियों को ऋण सहायता विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है। ये काम राज्य चलाने की एजेंसियों के माध्यम से ही कराया जाता है। हमने भारत सरकार से एक MOU भी साइन किया है जिसमें प्रत्येक वर्ष NBCFDC की परफॉर्मेंस भी यहाँ की जाती है और मुझे बड़ी खुशी है कि वर्ष 2000 और 2001 से अब तक 7वीं बार लगातार NBCFDC की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रेट की गई है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज भारत सरकार द्वारा आकी गई है। NBCFDC के मुख्यालय में भविष्य की योजनाएं बनाई जाती हैं और राज्यों की चैनलाइजिंग एजेंसियों से लगातार संपर्क में रहा जाता है ताकि जरूरतमंदों को योजनाओं का फायदा अवश्य मिले। NBCFDC कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के कोने कोने में पिछड़े वर्गों को मदद पहुंचाने में सक्षम है। पूरे देश में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से पिछड़े वर्ग के जरूरतमंद लोगों को वित्तीय मदद प्रदान की जाती है। पहले हमारा परिवार गरीब था। मैंने हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू करने के लिए NBCFDC की योजनाओं के अंतर्गत वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से कर्जा लिया। आज अपने इस कारोबार से मैं अच्छे पैसे कमा रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। NBCFDC की मदद से
पिछड़े वर्ग के लोगों को एक नई दिशा मिली है। इनमें से हजारों दस्तकार ऐसे हैं जो लुप्त होते पुश्तैनी काम को नई तकनीक के साथ फिर से शुरू करके अपने आर्थिक हालात सुधार रहे हैं। हम आर्टिस्ट हैं, मेरे फादर अवार्डेड है और एनबीसी एफडीसी से हमने 1,00,000 रुपए का लोन ले रखा है, जिससे मेरे को, मेरे फैमिली को और हमारे साथ जो वर्कर काम करते हैं उनको बहुत फायदा हुआ है। लोन लेने से पहले मेरा कुछ भी नहीं था, एनबीसी एफडीसी डिपार्ट से लोन लिया, उसके बाद मेरा अपना मशीन है। उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा हासिल करना जिनके लिए केवल एक सपना था, आज वो भी अपने सपने को सच कर रहे हैं। एनबीसी एफडीसी के द्वारा राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से कई कार्यकलापों के लिए कर्ज दिया जाता है, जिसमें शामिल है कृषि या इससे जुड़ा कोई और काम, छोटा व्यापार, दस्तकारी या फिर कोई पुश्तैनी काम, सेवा क्षेत्र या फिर परिवहन सेवाएं। पिछड़े वर्ग के दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति इन योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। योजनाओं का फायदा उठाने के लिए वार्षिक आमदनी ग्रामीण इलाकों में सालाना 40,000 रुपए और शहरी इलाकों में 55,000 रुपए से कम होनी चाहिए। कर्जा लेकर अपना काम शुरू करना काफी आसान है। इसके लिए आपको आय और जाति प्रमाण पत्र लेकर एनबीसी एफडीसी की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के जिला कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। हमने 1992 में मछुआरों के कल्याण के लिए इस संस्था की शुरुआत की। उसके बाद से मछुआरे धीरे धीरे समूह में संगठित होने लगे और फिर उसके बाद उन्हें सही समय पर पैसा मिलने लगा। मछलियां पकड़ने के लिए जाल और दूसरे छोटे मोटे यंत्रों के लिए हमारी सोसाइटी को मत्स्य फेड से पैसा और मदद दोनों दिए जाते हैं। कम ब्याज पर कर्जा मिलने से अब हम सभी का जीवन सुधर रहा है। एनबीसी एफडीसी 5,00,000 रुपए तक का कर्ज जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाता है, जिसमें एनबीसी एफडीसी का ऋण भाग 85% से 95% तक रहता है। एनबीसी एफडीसी की कई लाभकारी योजनाओं में शामिल हैं टर्म लोन, मार्जिन मनी लोन और माइक्रो फाइनेंस। पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भरता जागृत करने के लिए एनबीसी एफडीसी ने नई स्वर्णिमा नामक योजना की शुरुआत की। जो काम अकेले नहीं हो सकता, उसे मिलकर किया जाए तो सफलता जरूर हाथ लगती है। यही वजह है कि आज पूरे देश में कई स्वयं सहायता समूह संगठित होकर काम कर रहे हैं और अपने आर्थिक हालात सुधार रहे हैं। इस काम में महिलाएं पीछे न रहें, इसलिए एनबीसी एफडीसी द्वारा महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को उद्यम शुरू करने के लिए महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत कर्ज दिया जाता है। हमारा समूह बनने से पहले हम सभी औरतें बहुत गरीब थीं। समूह बनने के बाद हम सबके आर्थिक हालात ठीक हो गए हैं। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक या फिर उच्च स्तर पर सामान्य व्यवसायिक या तकनीकी शिक्षा हासिल करने के लिए नई आकांक्षा योजना के अंतर्गत शैक्षिक ऋण दिया जाता है। मेरे घर वालों का सपना था कि वो मुझे डॉक्टर बनते हुए देखें। 2003 में CPMT में सिलेक्शन होने के बाद में मेरा MBBS में चयन हुआ और मुझे GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर मिला। फिर मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में NBC FDC की एजुकेशन लोन योजना के बारे में सुना और NBC FDC की मदद से मेरा और मेरे घर वालों का, जो मुझे डॉक्टर बनाने का सपना था, वो लगभग अब पूरा हो चुका है। अपना हाथ जगन्नाथ वाली कहावत को अमल में लाते हुए NBC FDC की योजनाएं उद्यम लगाने में जरूरतमंदों की सहायता कर रही हैं। तकनीकी ज्ञान प्राप्त करके अपना कारोबार शुरू करने में एनबीसी एफडीसी की प्रशिक्षण योजना भी लाभार्थी की मदद करती है। एनबीसी एफडीसी द्वारा कई बड़े संस्थानों में लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिलाया जाता है, जैसे ATTC, जहां पर ये युवा अपने हाथों से अपने आने वाले कल को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। NIFT और NID अहमदाबाद जैसे संस्थानों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
जिन युवाओं ने व्यावसायिक शिक्षा या फिर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें NBC FDC की स्वयं सक्षम योजना में अपना रोजगार शुरू करने के लिए ऋण सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। मैं यहाँ गुड़गांव ATDC में एडमिशन लिया, यहाँ PSQC का कोर्स कर रहा हूँ। इसके लिए सारा खर्च NBC FDC ने दिया है। इसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। इसमें मुझे कपड़े के बारे में पूरा ज्ञान हुआ है, इसमें स्टिचिंग के बारे में पता चला है। ये शर्ट मैंने सिमी है खुद। मैं इससे अपना रोजगार शुरू करूँगा और भाइयों को भी रोजगार दिलाने के काम करूँगा। आज कई युवा प्रशिक्षण योजना से लाभ उठाकर अपने पुश्तैनी या फिर दूसरे कामों को करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मैं मिट्टी का काम करता हूं और ये काम मेरे दादा परदादा पुश्तैनी काम है, और इस काम को बढ़ाने के लिए मैंने NBC FDC हरियाणा से लोन लिया। लोन लेने के बाद मैंने इलेक्ट्रिक व्हील खरीदा और मिट्टी खरीदी, बुरादा खरीदा, जिससे मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी। और फिर मैंने एक कलात्मक सुराही बनाई। इस सुराही में नीचे से पानी डाला जाता है और फिर सीधी रख के इसमें यहाँ से पानी निकाला जाता है। कारीगरों को बिचौलियों को कम दामों पर अपना तैयार किया हुआ सामान न बेचना पड़े, इसलिए NBC FDC द्वारा समय समय पर कई मेलों का आयोजन किया जाता है। इन मेलों में कारीगर अपना सामान सीधे ग्राहकों को बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। हमारे देश को और चाहिए क्या? अगर इन्हीं लोगों को हम फ्रंट में ले आए तो भारत देश बहुत आगे पहुंच जाएगा, क्योंकि हमसे लोग ये चीज लेके जा रहे हैं और हमें ही पहचान नहीं है, तो हमें इन्हें प्रोत्साहित करना। थैंक्स टू NBC FDC। इन मेलों में कारीगरों को प्रोत्साहन मिलता है और अपने हुनर दिखाने का मौका भी। इन कारीगरों द्वारा निर्मित ये उत्पाद आज हर किसी की पसंद बन गए हैं। NBC FDC आर्थिक मदद उपलब्ध करवाकर लाखों लोगों के सपनों को सच कर रहा है। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए भारत के विकास में गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग भी भागीदार बन रहे हैं। पैसे की कमी की वजह से अपने बढ़ते कदमों को रुकने मत दीजिए। ऋण प्राप्त करने के लिए आज ही अपने राज्य की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी से संपर्क कीजिए और बढ़ चलिए खुशहाली की एक नई राह की ओर।